take the globalization that is not a recent phenomena, and we understood this thing with certain examples which are indicating that the globalization or interconnection between the countries was there from millions of years. Yes, we should say from thousands of years. These interconnection between countries, between the continents, for all different reasons were there. Apart from this, we also understood, we also found this thing that the Silk Route played an important role. Yesterday we completed that part. We understood the importance of Silk Route, and we understood how Silk Route brought the continents near to each other in sense of trade of silk and transportation of other goods from Asian countries, specifically from China and India, to the European and African countries. So we will proceed further today. We will see the next part, that is 1.2, food travels. Means we will understand how the food items we are using today, as taking it as the indigenous food of our country, but we will find that the origin of these foods were not from our own country. It is from far, far off places like America and other countries. So let us see this. The heading is Food Travels, Spaghetti and Potato. So, agar hum dekhe ki food bhi hame, food ke examples bhi hame is cheez ko कन्फर्म करने में मदद करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में कल्चरल और फूड और ये जो ट्रेडिशंस है अलग अलग फूड के, उनके एक्सचेंज में उनका एक्सचेंज हुआ है. ऐसे फूड के एग्जांपल्स से भी हम समझ सकते हैं. ट्रेडर्स जो है वो सिर्फ अपने साथ दूसरी कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ गुड्स नहीं लेकर गए, है ना, सिर्फ और सिर्फ कल्चर नहीं लेकर गए, वो अपने साथ नए क्रॉप्स को भी, है ना, उन कंट्रीज में लेकर गए जहाँ वो ट्रैवल किया उन्होंने या वहाँ जहाँ वो माइग्रेट हुए. यस, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, रेडी फूड स्टफ जब लॉन्ग ट्रैवल पे मूव करते हैं या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हुए, तो रेडी फूड स्टफ जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट फूड, या फिर हम मैगी वगैरह जो आज खाते हैं, वो ईजी टू कुक और ईजी टू ईट वाले जो आइटम्स हैं, वैसे ही एक समय स्पेगेटी या नूडल्स की हम बात करें, तो आज जो हम देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में स्पेगेटी और नूडल्स. यस, इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी. मतलब नूडल्स जो है वो चाइना का इंडिजिनस फूड आइटम है, जबकि ये चाइना से शिफ्ट हुआ, मतलब due to the trade and travel between the countries, ये चाइना से कहाँ शिफ्ट हुआ, वेस्ट में. वेस्ट में मतलब यूरोप की तरफ. और ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्पेगेटी में. वहाँ पर कैसे जाना, उसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या कहलाने लगा, स्पेगेटी. Perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily. ऐसे ही अगर हम पास्ता की बात करें, जो हम बिलीव करते हैं कि वो कहाँ से है, पास्ता जो है वो यूरोपियन डिश है, ऐसा यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में बहुत जाना जाता है, पर ये एक्चुअल में अरब ट्रेडर्स के द्वारा कहाँ शिफ्ट हुआ है, 5th century में. कितनी पुरानी बात है, 5th century में सिसिली ले जाया गया था. सिसिली क्या है, ये इटली का एक आइलैंड है. यस, इट्स एन आइलैंड ऑफ इटली. सिमिलर फूड्स वर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान. ऐसे ही नूडल्स हम देखते हैं, जापान का भी एक मेन फूड आइटम है. इससे मिलते जुलते जो रेडी टू ईट या रेडी टू कुक फूड आइटम्स हैं वो इंडिया में भी जाने जाते हैं. सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन मे नेवर बी नोन. तो हम देखते हैं ऐसे ही मॉडिफाइड या अलग अलग फूड वराइटीज़ तमाम कंट्रीज़ में जो सिल्क रूट से कनेक्टेड थे या किसी भी दूसरे माध्यम से जिनमें लोगों का आना जाना पॉसिबल था, वहाँ पर इनकी वैरायटीज़ देखने को मिलती है, जो ये दर्शाती है कि इन कंट्रीज़ में
सिर्फ कल्चर, सिर्फ ट्रेड का आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसके साथ साथ फूड आइटम्स भी, ग्रेन्स भी, वे ऑफ ईटिंग भी शिफ्ट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है. यस, लेकिन इनका एक कोई कॉमन ओरिजिन, इनका कोई एक कंफर्म ओरिजिन हम नहीं बता सकते, बिकॉज हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन किसका मॉडिफाइड फॉर्म है. हम सिर्फ एक आकलन लगा सकते हैं. दैट्स वाई वी कैन नॉट, वी वुड नेवर नो द ओरिजिन ऑफ दीज पर्टिकुलर फूड आइटम्स. येट सच गेस वर्क सजेस्ट दैट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. तो भले ही हम इनके ओरिजिन को नहीं पता कर सकते हैं कि इन फूड आइटम्स का बेसिक ओरिजिन क्या है, मेन ओरिजिन क्या है, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि कंट्रीज जो है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी कनेक्टेड थी, उनमें फूड आइटम्स का, कल्चर का, ट्रेड का संबंध था. मूविंग अहेड, मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू अवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5th सेंचुरी अगो. 5 सेंचुरीज अगो. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम जिसमें से सरप्राइजिंग है कि पोटैटोज हमारी कंट्री में नहीं, सोया हमारी कंट्री का नहीं, ग्राउंड नट नहीं, मेज नहीं, टोमेटोज नहीं, चिलीज नहीं, स्वीट पोटैटोज नहीं, मतलब इतने सारे ऐसे आइटम हैं जो आज हम इतने कॉमनली यूज़ करते हैं और हमें ऐसे लगता है ये सब हमारी कंट्रीज के हैं, पर आज से 5 सेंचुरी पहले तक ये हमारे एंसेस्टर्स को नोन ही नहीं थे. दीज वर नॉट द फूड आइटम्स नोन बाय आर एंसेस्टर्स. इट मीन्स दीज हैव बीन, ये सारी अराइव्ड हुई हैं, ट्रांसफ़र हुई है दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ, विद द ट्रेडर्स, विद द माइग्रेटर्स. जो माइग्रेट हुए हैं दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ, वो अपने साथ लेकर आए हैं. जो ट्रेडर्स हैं वो अपने साथ लेकर आए हैं. तो आप बताइए, आज हमारे फूड आइटम में क्या हम मान सकते हैं कि बिना पोटैटो के कोई फूड आइटम हो सकता है हमारे यहाँ? या ये मेज़ है, टोमेटोज है, चिलीज़ है, और हमें लगता है ये सब इंडिजीनियसली हमारे कंट्रीज़ में ही हमेशा से रही होंगी, बट ऐसा नहीं है. दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलम्बस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट एंड दैट वुड लेटर बिकम नोन एज द अमेरिका, अमेरिकास और अमेरिका. हमें पता है जो क्रिस्टोफर कोलम्बस है वो इंडिया के सर्च में निकला था, और वो एक्सीडेंटली, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप गूगल मैप से मूव कर सके, डायरेक्शन तय कर सके, मिस्टेकनली वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर गया. और वो कहाँ पहुँचा? वो पहुँचा एक नए आइलैंड पर, एक नए कंट्री पर, जिसको बाद में अमेरिका नाम दिया गया या अमेरिका के नाम से जाना गया. यस, और इसकी डिस्कवरी से ही यहाँ पाए जाने वाले वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है पहले यूरोप और फिर एशियन कंट्रीज़ में आए. और ये जितने भी क्रॉप्स हम बात कर रहे हैं ना, या तो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, यहाँ जब 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 अमेरिका बोला जाएगा तो अमेरिका का मीनिंग होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो कैरेबियन पार्ट है उसको भी उसमें इंक्लूड करेंगे. तो पूरे अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, साउथ, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ से वंस इसका डिस्कवर हुआ तो वहाँ पर पाई जाने वाली जो अलग तरह की क्रॉप्स हैं, अलग तरह की ग्रेन्स हैं, वो पहले यूरोप और फिर एशियन कंट्रीज़ में भी ट्रांसफ़र हुई. तो इससे भी ये पता चलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कितने लंबे समय से, इवन फ्रॉम मैनी ईयर्स अगो, फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. वैसे ये तो 1000 ईयर्स पुरानी बात नहीं है, पर इससे ये पता चलता है कि लंबे समय से है ना ग्लोबलाइजेशन अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मीन्स से, चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे कल्चर हो, चाहे ट्रेड हो, ऐसे कई चीज़ों के साथ कंट्रीज आपस में कनेक्टेड रही हैं. यस, यहाँ बताया गया है कि जब भी अमेरिका बात की जाएगी तो उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन पोर्शन जो है वो भी इंक्लूडेड रहेगा. अब एक यहाँ पर एक पिक्चर हम छोड़ रहे हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर, मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस, सॉरी विन से एंड द ओरिएंट एक्सचेंजिंग गुड्स फ्रॉम मार्को पोलो बुक ऑफ मार्बल्स. 15th सेंचुरी की एक इमेज इसमें रिप्रेजेंट की गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि ट्रेड बहुत पहले से बिटवीन कंट्रीज इट वॉज देयर. यू कैन सी द
ships, you can see the coastal region, and you can see how the trade is going on between two different group of people. Now, you can see here, in fact, many of our common food items came from America's original inhabitants, the American Indians. तो बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स भी, अभी हमने जो देखा उसमें हमने वेजिटेबल्स देखे स्पेसिफिकली, लेकिन बहुत सारे फूड आइटम्स भी जो है अमेरिकन इंडियंस, या जो मूवमेंट वॉज देयर बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका एंड देन यूरोप टू एशिया, ऐसे लोग जो इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुए उस ड्यूरेशन में, या मूवमेंट जिनका पॉसिबल हुआ, उनके थ्रू भी बहुत सारे फूड आइटम्स जो है आज हम इंडिया में देखते हैं वो इंडिया में शिफ्ट हुई या इंडिया में भी यूज़ में आई. समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है. इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या बात करनी पड़ेगी, पहले इसको समझ लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक नए क्रॉप या फूड आइटम के इंट्रोड्यूस होने से भी कितना बड़ा चेंज आ सकता है, कि ये जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क पैदा कर सकता है. जो पोटैटो है, पोटैटो का यूरोप में आना एक बहुत बड़ा चेंज था. यस, पोटैटो आया कहाँ से? पोटैटो हैड अराइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप. यूरोप के जो गरीब लोग है, द पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो. द पोटैटो फ्रॉम अमेरिका इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इट बिकेम अ वेरी इम्पॉर्टेंट फूड आइटम फॉर द पुअर ऑफ यूरोप. यूरोप के जो गरीब लोग हैं उनके भोजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो बन गया. आयरलैंड के जो गरीब थे, जो पुअरेस्ट पीजेंट्स थे, उनके लिए पोटैटो क्या हो गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड आइटम हो गया, क्योंकि वो बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता था, और बहुत कम बोल सकते हैं, या बहुत चीप रेट पर अवेलेबल था, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट फूड आइटम हो गया, और इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उनका डिपेंडेंसी ही पोटैटो क्रॉप पर हो गया. और जब पोटैटो क्रॉप फेल हुआ मिड 1840s में, तब हजारों लोग जो हैं यूरोप के, स्पेसिफिकली आयरलैंड के विषय में यहाँ बात की जा रही है, वो भुखमरी से मारे गए. यू कैन अंडरस्टैंड, जो लोग दूसरे अनाज पर डिपेंडेंट थे यूरोप पर, पोटैटो के इंट्रोड्यूस होने पर वो कम्प्लीटली पोटैटो पर डिपेंडेंट हो गए. और फिर जब पोटैटो की फसल खराब हुई, लार्ज स्केल पर डिस्ट्रॉय हुई, तो भुखमरी पैदा हो गई, बिकॉज दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो. एंड हजारों लोग जो है फसल खराब होने से, फसल डिस्ट्रॉय होने से, क्रॉप डिस्ट्रॉय होने से, भुखमरी से, स्टार्वेशन से, भुखमरी से मारे गए. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज 1.3, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. इस पर्टिकुलर पैरा में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से, जैसे इन्वेजन हुआ यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली पोर्तुगीज और स्पेन जो है, जब ये अपनी कॉलोनीज डेवलप करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंची, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहुंची, चाहे अमेरिकन कंट्रीज़ में पहुंची या अमेरिका में पहुंची, तो उन्होंने किस तरीके से अपने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, और कैसे डिजीज़ ने उनकी मदद की कॉन्क्योर करने के लिए, दूसरे कंट्रीज़ पर अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने के लिए. लेट अस सी दिस. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक जेंटली. ये भी एक स्टेटमेंट है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो श्रैंक ग्रेटली, सॉरी जेंटली नहीं, ग्रेटली मतलब बहुत लार्ज स्केल पर छोटा हो गया. छोटा कब हो गया? जैसे हमने बात की थी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरे दुनिया को एक छोटे प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, इंटरकनेक्शन इतना ज़्यादा होना कि हमें लगने लगे कि दूर है. आज से कुछ सालों पहले हमें लगता था कि दूसरी कंट्री में जाना एक बड़ी बात है, लेकिन आज हम सुनते हैं कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज़ में इवन अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं. सो नाउ द डिस्टेंस इज़ नॉट दैट मच एट इट वाज अर्लियर. क्यों? क्योंकि अब ट्रैवलिंग आसान हो गई है ना, आप कुछ ही घंटों में दूसरी कंट्रीज़ में पहुँच सकते हैं, तो आप एक छोटी छुट्टियों के साथ, कम खर्चे के साथ भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं.
तो इससे क्या हो गया, इससे अब हमें जगह दूर नहीं लगने लगी। द सेम फिनोमेना इज हेयर, क्या कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे ही 16th सेंचुरी में यूरोप सेलर्स, जैसे कि अभी हमने देखा क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका अमेरिका को डिस्कवर किया, ऐसे ही बहुत सारे रूट्स जो है अलग अलग सेलर्स की तरफ से एशिया वेस्टर्न ओशियन को क्रॉस करके अमेरिका, है ना, एशिया यूरोप से, एशिया भी आसानी से कनेक्ट हो गया और यूरोप से अमेरिका भी आसानी से कनेक्ट हो गया, क्योंकि अलग अलग सी रूट्स उन्होंने डिस्कवर किए जिससे जल्दी से जल्दी आसान से आसान रास्तों से इंडिया, चाइना मतलब एशियन कंट्रीज़, और उधर देखें तो हम अमेरिकन कंट्रीज़ तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। तो इसीलिए ये टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है, वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली वंस द यूरोपियन सेलर्स फाउंड न्यू सी रूट्स टुवर्ड्स एशिया एंड टुवर्ड्स अमेरिका। ओके, फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशियन हैड नोन अ बस्टलिंग ट्रेड विद गुड्स पीपल नॉलेज कस्टम्स। जब तक ये डिस्कवरीज नहीं हुई थी, मतलब डिस्कवरीज नए रूट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे अमेरिका की तरफ, तो उससे पहले या वैसे आज भी है कि इंडियन ओशियन जो है, हिंद महासागर जो है, वो ट्रेड के लिए एक वाइब्रेंट, एक बसलिंग रूट माना जाता था, क्योंकि ये एशिया की कंट्रीज़ को, जो अरब कंट्रीज़ है, उससे जोड़ता था, इवन यूरोप के लिए रूट प्रोवाइड करता था। तो एक इम्पॉर्टेंट ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था इंडियन ओशियन बिटवीन द एशियन कंट्रीज़, द अरब कंट्रीज़ एंड यूरोपियन कंट्रीज़। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल, आज भी 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशियन में, वो स्ट्रेटिजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरह से एक मिड पॉइंट की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करता है, जोड़ने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ को एशियन कंट्रीज़ से। और लार्ज स्केल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सी रूट से, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेटिजिकल पॉइंट है। यस, तो वो उस समय भी था। द एंट्री ऑफ यूरोपियन हेल्प एक्सपांड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टूवर्ड्स यूरोप। पहले ये जो फ्लो था वो ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ के बीच था, अरब कंट्रीज़ के बीच था, लेकिन यूरोपियंस के एंटर होने से ये जो फ्लो है गुड्स का, कल्चर का, नॉलेज का, आइडियाज़ का, वो अब यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगा। यस, एट द यूरोपियंस एंटर्ड टू दिस बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। हजारों सालों तक अमेरिका अनछुआ रहा, अननोन रहा। यस, जब तक कि उसकी डिस्कवरी या उसका रूट नहीं पता हुआ, मतलब जब तक सी रूट नहीं पता था तो दुनिया को पता ही नहीं था, दुनिया मतलब हम बात करें यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इनको पता ही नहीं था कि अमेरिका करके भी कोई कॉन्टिनेंट है। लेकिन एक बार जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर भी, सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी अमेरिकन वेल्थ का किया गया। यस, चाहे वो क्रॉप के फॉर्म में हो, चाहे मेटल्स के फॉर्म में हो, यस मिनरल्स के फॉर्म में हो। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, इसके पहले हमने 15th सेंचुरी की बात की थी, अब हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। वास्ट लैंड्स एंड अबेंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल जो था वो ट्रांसफॉर्म होने लगा, सॉरी वो ट्रांसफ़र होने लगा कहाँ, अमेरिका से यूरोप और एशिया में। और इस ट्रांसपोर्ट ने, इस ट्रेड ने पूरे दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया है ना, और जीवन के स्तर में भी बदलाव लाया है। मतलब अमेरिका जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, उसमें अमेरिका की डिस्कवरी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि अमेरिका से जो फूड आइटम्स दुनिया में शिफ्ट हुए, जैसे कि हमने पोटैटो का एक एग्जाम्पल देखा, अमेरिका से जो मिनरल शिफ्ट हुआ, जो क्रॉप शिफ्ट हुआ, उसने पूरे दुनिया के लाइफ स्टाइल को चेंज किया, पूरे दुनिया में एक अलग, एक डिफरेंस पैदा किया। यस, चाहे वो यूरोप की बात करें, चाहे वो एशिया की बात करें। प्रेशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको ऑल्सो एनहेंस्ड यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। अगर हम बात करें प्रेशियस मेटल, जैसे कि सिल्वर है, यस, आज के पेरू और मैक्सिको
जो कि अमेरिका में लोकेटेड है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया, और इसने हेल्प किया किसको, यूरोप के वेल्थ को और उसके ट्रेड को और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा वेल्दी बनाने में, और उसके साथ एशिया के ट्रेड में, क्योंकि एशिया से बहुत सारा सिल्क, बहुत सारा स्पाइसेस, टी और ऐसी चीज़ें यूरोप को ख़रीदनी पड़ती थी। तो जब उसे वेल्थ मिला तो उसके ये जो ट्रेड है, जिससे एशिया के साथ जो वो ट्रेड कर रहा था, उसमें उसे बहुत मदद मिली, और अमेरिका की डिस्कवरी ने यूरोप को वेल्दी बनाया, यूरोप के ट्रेड को और स्ट्रांग बनाया। यस लेजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ। मैनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो। एल डोराडो आपने सुना होगा, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत वेल्दी और इसमें बहुत सारे सोने की खदानें, ऐसा एक उस समय मान्यता थी। तो लगातार क्या हो रहा था, यूरोप से लोग नए नए एडवेंचर के लिए, नए नए एक्सप्लोर करने के लिए और वेल्थ को लूटने के लिए अमेरिका की तरफ जाने लगे, अमेरिका की नई नई जगहों पर और ढूंढने लगे। जैसे पता चला हो कि बहुत वेल्दी कोई जगह है, और ग्रुप के ग्रुप सेलर्स के सेलर्स जहाज़ों पर निकलने लगे अमेरिका की, और ज़्यादा वेल्दी, और ज़्यादा वेल्थ को एक्सप्लोर करने के लिए। यस, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम है, दिस एल्डोराडो। यस, ये नाम पूछा जाता है, जो कि जाना जाता था अपने गोल्ड माइंस के लिए उस समय। बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं, मतलब र्यूमर्स भी थी उस समय, जिसके पीछे लोग अमेरिका की तरफ, यूरोप से बहुत सारे सेलर्स, सेलर्स का ग्रुप, ट्रेडर्स का ग्रुप, अमेरिका को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मूव करने लगे। अब यहाँ से बात आती है कॉन्क्योर करने की। अभी तो हमने अमेरिका से क्या चेंजेस आए हैं उसको हम समझ रहे थे। पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वॉज डिसाइसिवली अंडर वे बाई द मिड 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में हमने देखा मूवमेंट बहुत बढ़ गया, उसके बाद पोर्तुगीज और स्पेनिश लोगों ने क्या किया अमेरिका पर, मिड 16th सेंचुरी में दे ट्राइड टू मेक देयर कॉलोनीज एंड कॉन्क्योर अमेरिका में, जहाँ पर भी वो वेल्थ है उन जगहों को जीत कर उस पर राज करने के लिए, उसको और फर्दर एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने स्टेप्स लिए। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट, अब यूरोपियन का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दी पोर्तुगीज एंड स्पेनिश। यस, या दूसरे भी यूरोपियन कंट्री जो अमेरिका के अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ पर अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, उनके बारे में बात की जा रही है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए वो कॉन्क्योर नहीं कर पाए किसको, अमेरिका में खुद की कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने में, सिर्फ और सिर्फ उनके जो सुपीरियर फायर पावर, फायर पावर मतलब इनके पास कोई स्पेशल ट्रेन ट्रूप्स थी, फौजी थे या हथियार थे, इसकी वजह से ये कॉन्क्योर नहीं कर पाए। बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्योरर्स वॉज नॉट द कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स एट ऑल। मतलब स्पेनिश जो कॉन्क्योरर्स थे, जो विजेता थे, जिन्होंने जाकर अमेरिका पर अमेरिका की अलग अलग जगहों पर अपने कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, और उसमें उनकी मिलिट्री या वेपन ने इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले किया, फिर किसने किया, इट वॉज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो किसने इसमें उनकी मदद की, उनके सैनिकों से ज़्यादा, उनके गन पावर से ज़्यादा, उनके वेपन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनकी मदद की स्मॉल पॉक्स ने, एक जर्म ने। यस, जैसे अभी कल भी हमने बात की थी कि कोविड ने किस तरीके से पूरे दुनिया को बदला है, वैसे ही उस समय स्मॉल पॉक्स जो है, क्योंकि ये यूरोप की एक कॉमन डिजीज थी, तो यूरोपियन लोगों में इसके जो बोल सकते हैं हम इम्यूनिटी इनमें यूरोपियन लोगों में थी, तो स्मॉल पॉक्स वॉज अ वेरी कॉमन डिजीज देयर इन यूरोप। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री जो पूरी दुनिया से अलग थलग थी लंबे समय तक, वहाँ इस डिजीज़ के लिए लोगों के बीच में द पीपल वर नॉट इम्यून्ड, वहाँ के लोग इम्यून नहीं थे। यस, तो जैसे ही ये यूरोपियन ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिकाज ओरिजिन इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट, दे वर नॉट हैविंग एनी इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस जो कहाँ से आ रहे थे,
यूरोप से, जिसका एक एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स। अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर वंस इंट्रोड्यूस्ड, इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। तो ऐसा हुआ कि एक बार यूरोपियन जैसे ही अमेरिका को एक्सप्लोर करने लगे तो वो अपने साथ ये बीमारी भी ले गए, बिकॉज उन उनकी बॉडी में तो इम्यूनिटी थी, यूरोपियंस को स्मॉल पॉक्स और ऐसी बीमारियों से इम्यूनिटी थी, लेकिन अमेरिकन्स वर नॉट इम्यून टू दिस। तो लार्ज स्केल पे लोग वहाँ मारे गए, बीमारी से पीड़ित थे, तो कभी भी किसी तरह की बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाए स्पेनिश के अगेंस्ट, पोर्तुगीज जो इन्वेडर्स थे उनके अगेंस्ट। और इसीलिए आसानी से पोर्तुगीज और स्पेनिश इन्वेडर्स ने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की। यस, यहाँ पर दे रखा है बायोलॉजिकल वेल वॉरफेयर। आज भी हम देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में, हम सुनते हैं जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है उसमें भी बार बार बात आती है केमिकल वेपन्स की, बायोलॉजिकल वेपन्स की। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो जॉन विंट्रॉप है वो क्या बोल रहे हैं, वो गॉड को थैंक्स बोल रहे हैं। यस, कि हमें लड़ाई ही नहीं लड़नी पड़ी और स्मॉल पॉक्स जो है वो भगवान का वरदान बन के हमारे लिए साबित हुआ, जिसने अमेरिका पर, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर आसानी से हमारे जीत को सुनिश्चित किया। ओके okay? नाउ इसमें और इसको और आगे समझाया है कि गन्स कुड बी ब्रॉट और कैप्चर्ड। अगर ये लोग सिर्फ बंदूक से लड़ते तो बंदूक तो इन्वेडर से अमेरिकन्स भी छीन कर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स और ऐसी बीमारियां जो है उससे वो नहीं लड़ पाए क्योंकि दे वर नॉट इम्यून टू इट। यस, अनटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। 19th सेंचुरी तक की बात करें तब तक पॉवर्टी, गरीबी और भुखमरी जो था वो बहुत कॉमन था। कहाँ? यूरोप में। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीजेज वर वाइड स्प्रेड। अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन कंट्रीज है हमें पता है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रही है उसी समय में जब हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम देखते हैं लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिससे कंट्री साइड यानी गाँव से वहाँ पर कहाँ शहरों में ज़्यादा भीड़ होने लगी। तो जो यूरोपियन सिटीज़ थे वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे और डेडली डिजीजेज जो थी वहाँ बहुत वाइड स्प्रेड थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, द रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड। डिसेंटर्स मतलब जो रिलीजन के जो मान्यताएं थी उसको नहीं मानते थे और असंतुष्ट थे कुल मिला के। यस, वन हु, यहाँ दे रखा है वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो हमें पता है वहाँ पर चर्च का भी या वहाँ के जो पादरी होते थे उनके द्वारा डिसाइड बहुत कुछ किया जाता था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इन रिलीजियस मान्यताओं को, ऐसे बंधनों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन्हीं को क्या कहते थे, डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड। लेकिन जो डिसेंटर्स होते थे उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी क्योंकि वो चर्च के कहे को नहीं मान रहे हैं, जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह की एक हम देखते हैं एक एक अनपीसफुल एनवायरनमेंट था, पॉवर्टी थी, हंगर था, रिलीजियस डिसेंटर्स थे, लोगों में बहुत ज़्यादा डिजीजेस, डेडली डिजीजेस का स्प्रेड, वाइड स्प्रेड था। देर वर मैनी चैलेंजेस इन यूरोप अंटिल 19th सेंचुरी। थाउजेंड्स देयर फोर फ्लेड यूरोप टू अमेरिका। मतलब इसी इन्हीं कारणों से क्या हुआ, हजारों लोग जो थे यूरोप से इन्हीं कारणों से किस तरफ मूव करने लगे, अमेरिका की तरफ। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत वेल्थ है और उनकी कॉलोनीज भी वेल स्टेब्लिश हो रही थी और देवर फाइंडिंग न्यू प्लेसेस फॉर देयर बेटर सेटलमेंट। हेयर बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्क बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। अब यहाँ हम एक और नए फिनोमेना पे बात कर रहे हैं जहाँ पर लोगों की खरीद फरोख्त की जाती थी, या फिर देखा जाए तो स्लेव्स के फॉर्म में अफ्रीका से
पकड़े गए लोगों को या जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो लोगों को खरीद कर या फिर पकड़ कर लेकर जाते थे कहाँ, अमेरिका में, जहाँ पर उनसे कॉटन, शुगर और दूसरे प्लांटेशन वर्क करवाए जाते थे एज स्लेव। यस, सो हमने इस पैराग्राफ में क्या समझा कि यूरोप में बहुत इनस्टेबिलिटी थी ड्यू टू हंगर, ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू डिजीजेस, ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, ये सभी कारण थे जिसकी वजह से जो यूरोपियंस थे वो शिफ्ट हो रहे थे कहाँ, अमेरिका में। और वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो वो वहाँ पर ऐसे स्लेव्स के द्वारा या ऐसे अफ्रीका से जो स्लेव्स पकड़ कर या खरीद कर लाए जा रहे थे उनके द्वारा प्लांटेशन या अन्य जो वेल्थ जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ है, चाहे वो क्रॉपिंग हो, प्लांटेशन हो, उन सब में इन्वॉल्व होकर एक सेटल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि इसमें स्लेवरी की बात की जा रही है, अब उसके बारे में और थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे। अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। इवन 18th सेंचुरी तक ये माना जाता था या ऐसा प्रतीत होता था कि इंडिया और चाइना जो है दुनिया के सबसे धनी देश थे। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना के पास वो सारे गुड्स थे, चाहे वो सिल्क हो, स्पाइसेस हो और दूसरी चीज़ें, जिनको खरीदा जाता था यूरोप के ट्रेडर्स के द्वारा या यूरोप में। इवन टी भी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसमें जिन्हें इंडिया और चाइना से पूरी दुनिया खरीदती थी। तो देवर कंसिडर्ड एज द वेल्दीएस्ट, एज द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर हम प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड में देखें तो ये दोनों सबसे ज़्यादा स्टेब्लिश कंट्रीज थी जहाँ से पूरी दुनिया का ट्रेड चलता था। हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी, लेकिन ये देखा गया कि 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चाइना जो है उसने दुनिया से अपना कम्युनिकेशन, दुनिया से अपने जो कनेक्शन थे उसको धीरे धीरे वो कम करते गए। चाइना केम इन टू एन आइसोलेशन फेज। यस, चाइनाज रिड्यूस रोल एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकाज ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड। तो अभी तक क्या था, इंडिया और चाइना की वजह से जो पूरा व्यापार था दुनिया का, ट्रेड जो था वर्ल्ड का, वो किस तरफ हो रहा था, ईस्टर्न पार्ट में हो रहा था। यस, लेकिन जैसे ही चाइना थोड़ा इनएक्टिव फॉर्म में आया, उसने रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट किए, दुनिया से डिसकनेक्ट होने लगा, आइसोलेशन में जाने लगा, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अमेरिका के डिस्कवरी से और उसके अतः वेल्थ से जो ट्रेड का डायरेक्शन है, ट्रेड का सेंटर है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगा। जैसा आज हम देख रहे हैं कि वापस ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, चाइना दुनिया का वेल्दीएस्ट कंट्री बनता जा रहा है। उस समय ठीक इसका उल्टा हुआ कि चाइना वेल्दीएस्ट कंट्री था लेकिन उसने अपने आप को सीमित किया, और अमेरिका के डिस्कवरी के बाद जो पूरा ट्रेड दुनिया का एशिया सेंट्रिक था, ईस्ट सेंट्रिक था, वो अब कहाँ हो गया था, वेस्ट सेंट्रिक हो गया था। यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और यूरोप दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड बन दुनिया का सेंटर बना वर्ल्ड ट्रेड का। यस, इट बिकेम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या दिखेगा, ये सारे लोग जो है ये एक स्लेव मार्केट में खड़े हुए हैं। यू कैन सी द वुमेन एंड इवन चिल्ड्रन आर देयर। यस, और स्लेव को उस समय बहुत अच्छे कपड़े पहन के तैयार, जैसे सामान को हम साफ सफाई करके रखते हैं ना कि ग्राहक आएंगे तो उन्हें पसंद आना चाहिए, तभी वो सोल्ड किए जाएंगे, तभी वो बिके जाएंगे, खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। वैसे ही लोगों को भी सामान की तरह अच्छे कपड़े पहना कर मार्केट में खड़ा किया जाता था बच्चों तक को, ताकि जो ट्रेडर्स आए उन्हें खरीद के ले जाए। सो दिस वॉज वेरी कॉमन ड्यूरिंग दैट एरा, स्पेसिफिकली फ्रॉम अफ्रीका एज वेल एज फ्रॉम इंडिया द स्लेव्स वर परचेस्ड, स्लेव्स वर परचेस्ड बाय द ट्रेडर्स फॉर द प्लांटेशन एंड अदर टास्क देयर इन अमेरिकन लैंड। यस, अमेरिका में जो इन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट किया था, लार्ज स्केल पर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे यूरोपियन मार्केट के लिए, वहाँ पर उनको स्लेव की तरह यूज़ किया जाता था।
और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम बात करें कि ये स्लेव्स जो थे, ये ट्रेडर्स ऐसे भी होते थे कि ऐसा नहीं कि वो खरीद के वहाँ जाके प्लांटेशन में उनको यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी थे जैसे सामान को यहाँ से खरीदो वहाँ जाकर बेच दो, तो दे वर जस्ट परचेसिंग द स्लेव्स एंड दे आर लोगों को यहाँ से खरीद के लेके जाना और वहाँ के प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर देना। दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांटेशन, दे वर ऑल्सो जस्ट परचेसिंग एंड सेलिंग, ट्रेड करते थे वो लोगों का एज स्लेव्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बिगिन द न्यू टॉपिक फ्रॉम टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।